वेलकम बैक क्लास। हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ रहे थे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमने लास्ट जो हमारा टॉपिक फिनिश किया था वो था इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हम लोगों ने देखा था कि कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस जैसे जो सेंटेंसेस होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस जो ये सारे फील्स रखते हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो तक ये देखा था कि अगर सब्जेक्ट की फील कमांड की है, ऑर्डर की है, तो जो सेड है वो ऑर्डर्ड में बदल जाता है। अगर वो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है उसकी फील रिक्वेस्ट की है तो वो रिक्वेस्टेड में बदल जाता है, और अगर कोई एडवाइस की है तो एडवाइज्ड में बदल जाता है। तो हम यहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस का एक दूसरा पार्ट है जहाँ पर डू नॉट से सेंटेंस स्टार्ट होते हैं। डू नॉट मतलब नहीं, जहाँ पर नहीं वर्ड यूज़ होता है, तो ऐसे सेंटेंसेस में स्पेशली इम्पेरेटिव डू नॉट हम पहले भी पढ़ चुके, लेकिन यहाँ पर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में अगर डू नॉट आता है तो जो जैसे हम प्रीवियस सेंटेंसेस में सेड को ऑर्डर्ड में, एडवाइज्ड में या रिक्वेस्टेड में बदल रहे थे, तो वहाँ पर अब यहाँ पर हम फॉरबिड वर्ड यूज़ करेंगे। ये फॉरबिड वर्ड का मतलब ही होता है डू नॉट, वो डू नॉट के जगह पर रिप्लेस कर रहा है खुद को। तो हम डू नॉट वर्ड को फिर, तो इसके कुछ बेसिक रूल्स जो हैं वो देख लेते हैं कि किस तरह से हम डू नॉट वर्ड को हटाकर फॉरबिड को यूज़ करेंगे। ये हमारा सिक्स्थ रूल है। ये हमारा सिक्स्थ रूल है। इफ रिपोर्टेड स्पीच, आर एस का मतलब मैं बार बार बता रही हूँ, आर वी मतलब रिपोर्टिंग वर्ब और आर एस मतलब रिपोर्टेड स्पीच, इज नेगेटिव, नेगेटिव और स्टार्ट विथ डू नॉट, स्टार्ट विथ डू नॉट, देन वी यूज forbid, forbade, forbid in place of said, clear? कि अगर reported speech में negativity है, negative है sentence और start हो रहा है do not word से, तो हम उसको सेड को जो है सेड की जगह पर हम क्या यूज करेंगे, फॉरबेड। अब एग्जाम्पल से हम इसको समझ लेते हैं थोड़ा। द टीचर सेड टू द बॉय कॉमा inverted comma, do not abuse anyone, do not abuse anyone। अब यहां पर इसका हम इनडायरेक्ट बना के देख लेते हैं। क्या करना था हमें, सेड की जगह क्या यूज करना है, फॉरबिड द टीचर फॉरबिड
द बॉयज, बाकी के रूल्स वही रहेंगे. टू, हम कनेक्टिव क्या वर्ड यूज करे थे, टू अब्यूज एनीवन, राइट. तो ये हमारा एक एग्जांपल हुआ. क्लियर. अब हम कुछ और एग्जांपल्स भी देख लेते हैं. यहाँ पे हमारा सेकंड एग्जांपल है, माय फादर सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा डू नॉट वेस्ट योर टाइम इनवर्टेड कॉमा क्लोज. हम इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं. माई फादर forbade me to waste my time. Clear? हम एक दो examples और देखते हैं. She said to him, comma, inverted comma, do not disturb me, inverted comma, close. Sentence देख लेते हैं. She forbade him to disturb her. उसने मना किया है उसको disturb करने को. जो forbade word है वो बार बार किसको replace कर रहा है, do not को. इसीलिए जब हम indirect का sentence बना रहे हैं तो इस sentence में से do not remove कर रहे हैं, क्योंकि वो उसकी जगह पर हम forbade word को यूज कर रहे हैं, राइट. अब इसी के आगे आता है कि अगर सेंटेंस में प्लीज या काइंडली वर्ड हो तो सेंटेंस किस तरह से. तो एक दो एग्जांपल हम उसके भी देख लेते हैं थोड़े, ताकि ये पूरा इम्पेरेटिव हमारा कंप्लीट हो जाए. तो ये हमारा सेवेंथ रूल है. प्लीज और काइंडली है तो हम क्या लगाएंगे, रिक्वेस्टेड. रिक्वेस्टेड वर्ड को यूज करेंगे. ये भी देख लेते हैं, हम इसके भी एग्जांपल्स देख लेते हैं. He said to me, comma, inverted comma, please bring me a glass of water. सेंटेंस क्या बनेगा हमारा, क्योंकि प्लीज से स्टार्ट हो रहा है तो हमें क्या लगाना है, रिक्वेस्टेड सेड टू की जगह. ही रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग हिम
to bring him a glass of water. Clear? एक और example देख लेते हैं. She said to Sita, comma, inverted comma, kindly help me. She requested Sita to help her. ठीक है, तो ये थे हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हमने क्या देखा कि अब तक हम जो पढ़ रहे थे, मैं बार बार हर वीडियो में एक ही चीज़ बता रही हूँ कि हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में पढ़ा है और एक पार्ट दूसरे पार्ट के साथ कनेक्टिविटी लेके चला है. तो यहाँ पर इम्पेरेटिव सेंटेंसेज में हमने क्या पढ़ा, इम्पेरेटिव सेंटेंसेज में हमने रिपोर्टेड स्पीच की जो सेंटेंस है, रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है उसकी फील के अकॉर्डिंग हमने ऑर्डर्ड, एडवाइस, रिक्वेस्ट, फॉरबेड, ये सारे चीज़ें हमने यूज़ की. लेकिन बेसिक चीज़ क्या थी कि हमने कनेक्टिव जो था टू यूज़ किया, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई. तो ये सारी छोटी छोटी जो चेंजेस हैं, छोटे छोटे जो रूल्स हैं वो आपको फॉलो करने हैं. और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ऑपरेटिव सेंटेंसेस, और ऑपरेटिव सेंटेंसेस हमारा लास्ट टॉपिक होगा. उसके बाद आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है फिनिश हो जाएगा. ओके, थैंक यू. सुप्रभात विद्यार्थियों, जैसा कि कल हमने व्यंजन संधि में पांच वेदों के बारे में अध्ययन कर दिया था, जिसमें किसके साथ कौन कौन सा नियम लगता था, त वाले त के बाद च छ आए तो च में बदलना, त के बाद झ झ आए तो ज में बदलना, इस प्रकार त के बाद ट ठ आए ट में बदलना, फिर क च पंच पहले वर्ण में म या न आते हैं, क च ट तप के बाद पंचम वर्ण में बदलना, इस प्रकार प्रमुख नियमों के बारे में देखा था. तो अपन उसी नियम पर आगे बढ़ते हैं. तो एक अपना था जो जगत धन इस, है ना, जगत जगत धन इस. अब यहां पर उसका हमारा नियम बनता है जगदीश, जगदीश ही बनेगा. देखें यदि जगत का जग हो गया, इस त का किसमें बदलना है, त अपने तीसरे वर्ण में, तो त थ द में बदला. अब ई बड़ी है तो बड़ी ई की मात्रा, और श का श, तो जगदीश बना. इस प्रकार एक नियम था, अभी आएगा आगे उत दन लास. अगर त के बाद ल शब्द आता है तो त है जो हलंत ल में बदल जाता है, तो उत दन लास का उल्लास बनेगा, है ना. उत दन डयन उड्डयन, उत दन डयन, यहां उड्डयन शब्द बनेगा. इस प्रकार बहुत से नियम हैं जिनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे, है ना. तो इस प्रकार कुछ नियम हैं छह से. आगे बढ़ते हैं अपन, जहां कौन कौन संधि में कौन कौन से नियम हैं और उनका उदाहरण. यदि पांच तक हमने पढ़ लिया था, इसके बाद छठा नियम है त के बाद क्या आता है, ड या ढ आए. क्या है, त के बाद ड या ढ, ट से ढक्कन है ना, हो तो त का ड हो जाता है, ड ढ आए तो ड हो जाएगा. उत्दन डयन उड्डयन, अभी मैंने बताया उत्दन डिन उड्डीन. नियम सात, त के बाद ल हो तो, नियम क्या कह रहा है, त के बाद अगर ल हो तो त ल हलंत में बदल जाएगा. अब यहां पर त जो है
यहां उत्तदन लेख लिखा है। अब ल जो है और उससे पहले त जो है, त अपने हलंत ल में बदल जाएगा तो आधा ल हो जाएगा, उत्तदन लेख का उल्लेख हो जाएगा। तत्दन लीन आधा ल, त का आधा ल हो जाएगा, तत्दन लीन तल्लीन हो जाएगा, उत्तदन लाच उल्लास हो जाएगा। इस प्रकार इनके त के बाद ल हो तो भी त का ल हो जाता है। यदि त के बाद श हो, श जो है हमारा कौन सा व्यंजन है, उष्प व्यंजन है, ये ध्यान रखना। श हो तो त का च, अब ये नियम थोड़ा डिफिकल्ट है और कठिन है, देखना है। त के बाद श हो तो त का तो च हो जाता है। उत त का त के बाद क्या है, त के बाद अगर च हो तो त के बाद क्या है, श है ना, श हो तो त का क्या हो जाएगा, च हो जाएगा हलंत में, और श का छ में बदल जाएगा, है ना। तो उत्तन शिष्ट उच्छिष्ट, उत्तन उच्छवास, सत्तन शास्त्र सच्छास्त्र, इस प्रकार के शब्द भी हैं जिसमें त के बाद अगर श उष्म व्यंजन आता है तो श जो है वह त का तो क्या हो जाएगा, च हो जाएगा, और श जो है वह हमारे छ में बदल जाएगा। इनको भी हमें ध्यान रखना है। आगे बढ़े तो जिसमें हम देखते हैं, यदि त के बाद ह हो, है ना, अभी एक उदाहरण और लिखा था, उदाहरण त के बाद ह हो तो त का तो द हो जाता है। त के बाद क्या है, ह होना चाहिए। अगर त के बाद ह आता है तो त का तो क्या हो जाएगा, द हो जाएगा, और ह का क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। तो यहां क्या लिखा है, उत्तदनहार उद्धार बना, तत्तनहित तद्धित बना। तो इस प्रकार शब्द भी अगर त के बाद ह आता है तो त का तो द हो जाएगा और ह का द हो जाएगा। यहां द आधा है और द पूरा वर्ण है, इसलिए ध्यान रखना है। उत्तदनहार का उद्धार, तद्धनहित तद्धित, इस पर उद्धनहरण उद्धरण, है ना, उद्धनहरण का उद्धरण, इसके बाद उत्तदन ह उद्धव, फिर इस प्रकार बहुत से शब्द जिनका प्रयोग इस नियम के अनुसार चलेगा। नियम नंबर 10 है, यदि म के बाद क्या है, म के बाद क्या क्या आना है, कोई स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन कितने हैं, क से म तक, क च ट त प, 25 वर्ण जो हैं वो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। पहले पहले वर्णमाला में हमें कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं, कौन से स्पर्श व्यंजन हैं, कौन से अंतस्थ व्यंजन हैं, कौन से उष्म व्यंजन हैं, कौन से घोष वर्ण हैं, कौन से अघोष वर्ण हैं, इनका ही ध्यान रखना चाहिए। अभी समय मिला जब अपन उस बारे में भी अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन इसके बारे में ध्यान भी जरूरी है। ये बेस बनाता है हमारा, सबसे पहले 6th क्लास से ही ये जरूरी है, जिससे हमें कौन सा वर्ण किसके अंतर्गत आता है। तो यहां क्या है, यदि म के बाद को स्पर्श व्यंजन क से म तक आता है तो म को तो उसी वर्ग का पांचवा अक्षर, म जो होगा वह उसी अक्षर का पांचवा अक्षर म में ही बदलेगा, उसी वर्ग का पांचवा अक्षर या अनुस्वार में, या तो अहंकार, या तो यहां अह म वापस आ जाए अहंकार हो जाएगा, या फिर अनुस्वार में अहंकार हो गया, म का अंग में बदलना अहंकार, सम दंकल संकल्प बना, या फिर समकल्प, म के बाद अगर को तो क किसने में हो गए, अंग में संकल्प, ठीक है। इस प्रकार सम दन गति संगति, है ना, तो म का अंग में, इस पर ठीक है, तो सम तन देह संदेह न में बदले, या फिर इस प्रकार यहां पर न सम दन तो संतोष, इस प्रकार इनके कुछ नियम में क्या चलेगा, यदि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आता है तो म उसी वर्ग का पांचवा अक्षर बन जाएगा, तो वहां पर कौन सा होगा, व्यंजन संधि होगी, ठीक है। इसके बाद हम कल इन 5 नियम के बारे में आज अध्ययन किया है, इससे कुछ उदाहरण और देखें और ध्यान करें, इसके बारे में हम आगे 5 जो नियम बचे हैं उनके बारे में और अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। हमारा जो 1.6 है वो कंप्लीट हो गया है। नाउ लास्ट जो एक्सरसाइज बचा है आपका इस चैप्टर का, इनो बहुत लंबा चैप्टर चला है ये, बट 1.7 लास्ट एक्सरसाइज है, इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा और उसके बाद कुछ अच्छा सा चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। 1.7 से पहले आपके उस
से पहले कुछ एग्जांपल्स भी है और कुछ प्रॉपर्टीज भी है जो आपको पता होनी चाहिए। जब भी आपको कहा जाता है, जो चीज़ आपने शायद लास्ट क्लास में पढ़ी भी होगी, जब भी कहा जाता है जैसे 2 की पावर 3, इसका मतलब होता है 2 का मल्टीप्लाई करना है कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, तो 1, 2 एंड 3। 2 की पावर 7, तो मतलब 2 का मल्टीप्लिकेशन करना है हमको 7 टाइम्स। तो जब इसको फैक्टर फॉर्म में हम लिखेंगे तो 7 टाइम 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। इसी तरीके से जब भी कहा जाता है x का क्यूब, यानी कि x इंटू एक्स, ये क्या होंगे, ये इसके फैक्टर्स होंगे जिसको कहते हैं गुणनखंड। ये बात हो गई। अब जैसे लिखा है x की पावर n, इसका मतलब इस x का मल्टीप्लिकेशन x इंटू एक्स कितने टाइम्स करना है, n टाइम्स करना है। n कोई भी नंबर हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कोई भी नंबर हो सकता है। अब जैसे लेते हैं, हमारे सामने लिखा है, यानी कि जब भी ऐसा लिखते हैं हम तो क्या होता है, इसको हम कहते हैं डिग्री या फिर पावर, या तो डिग्री कहेंगे या फिर पावर कहेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो पावर। 2 की कितनी पावर है, यहाँ पर 3 है। 2 की पावर कितनी है, 4 है, 2 रेस टू 4, ऐसा कहते हैं ना, तो दैट इज़ द पावर या फिर डिग्री कहते हैं। इंटीग्रल इंडिसेस कहते हैं इनको, एक्सपोनेंट्स। ये आपका बेस होता है और ये होता है आपका पावर या फिर एक्सपोनेंट। अब इसके कुछ रूल्स है, या फिर जैसे मैं बता रही हूँ, तो बेसिक क्या चीज़ होती है, जब जैसे लिखा है 3 का क्यूब है, इसका मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, 1, 2, 3, 3 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा ये, 27। इसी तरीके से 3/5 ऐसा लिखा है, का होल पावर 4, इसका मतलब क्या है कि 3 का इसका मतलब ये हुआ 3 की भी पावर 4 और 5 की भी पावर 4, इसका मतलब 3 का मल्टीप्लाई कितनी बारी होगा, 1, 2, 3 एंड 4 अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। इसकी जगह नेगेटिव होता तो -3/4 की पावर 3, इसका मतलब -3 multiply with -3 multiply with -3 कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। 4 की पावर 3 है, यानी 4 multiply by 4 into 4, होल पावर 3 लिखा है, इसका मतलब इस अंश का भी पावर 3 होगा और हर का भी पावर 3 होगा, न्यूमरेटर का भी पावर 3 और डिनोमिनेटर का भी पावर 3 होगा। इसी तरीके से किसी नॉन ज़ीरो नंबर के लिए, लाइक 1, 2, 3, 4, कुछ भी, अगर किसी भी नंबर की पावर नॉन ज़ीरो, ज़ीरो के अलावा कोई भी नंबर की पावर अगर तो ज़ीरो है, पावर अगर तो ज़ीरो है, उसका वैल्यू होता है 1। ऑलवेज वैन एवर यू सी x की पावर 0 यानी कि 1, यानी कि इसका मतलब क्या है, जब हम कहते हैं 2 की पावर 1, दैट मीन्स उस जगह पर कौन बैठा है, 2 बैठा है। 2 की पावर 2 यानी उस जगह पर कौन है, उस प्लेस पर कौन है, 4 है। जब हम कहते हैं 2 की पावर 0, मतलब वहाँ पर 2 की पावर 0 अवेलेबल है, यानी कि 2 अवेलेबल ही नहीं है, कोई नंबर नहीं होता है, तो नंबर्स में हम कहाँ क्या यूज़ करते हैं, 1। तो इसीलिए किसी भी नंबर की पावर अगर तो ज़ीरो होती है, वेरिएबल हो, कोई कांस्टेंट हो, कुछ भी हो, उसकी पावर अगर ज़ीरो होगी तो उसको हम क्या लिखते हैं, 1। किसी भी नंबर की पावर एक्स वाई जेड एनीथिंग, किसी की भी पावर ज़ीरो होगी, दैट इज़ वैल्यू 1। एक्स किसके अलावा, 0 की पावर 0 लिखिए, उसको 1 नहीं लिख सकते, लेकिन 0 के अलावा कोई भी नंबर है, वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर होल पावर 0 है तो मतलब उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, नेगेटिव इंटीग्रल डिग्री, तो वो तो अभी जो हमने पढ़ी थी पॉजिटिव इंटीग्रल डिग्री थी, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर थी, इंटीग्रल नंबर से, और पॉजिटिव में क्या करना है वो तो हमको पता है, जैसे 2 की पावर 3 है तो हमको पता है कि 2 का मल्टीप्लिकेशन 3 टाइम्स करना है, लेकिन जब पावर हमारे पास नेगेटिव आएगी, नेगेटिव नेगेटिव इंटीग्रल पावर या फिर डिग्री, ठीक है, नेगेटिव इंटीग्रल पावर मतलब जब पावर नेगेटिव होती है, जैसे फॉर एग्जांपल 7 raised to -4, 7 की पावर कितनी -4, अब ओनली 4 होता तो हमको समझ में आता कि 4 टाइम्स 7 का मल्टीप्लिकेशन करना है, बट यहाँ तो -4 है, -4 टाइम कैसे करते, तो वेन एवर इस टाइप की कंडीशन बनती है तो क्या होता है -4, तो क्या करेंगे जब ऐसी कंडीशन बनती है, तो इसको लिखते हैं हम, जब जैसे नेगेटिव लिखा है तो हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जब भी न्यूमरेटर्स को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करते हैं, डिनोमिनेटर्स को न्यूमरेटर में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कहीं पर इस तरीके से लिखा है 1/3, मैं चाहती हूँ कि नहीं मुझे ये न्यूमरेटर में नहीं चाहिए, मुझे तो डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए, हर में नहीं चाहिए, मुझे तो अंश में चाहिए, ऊपर की तरफ ही होना चाहिए, तो यहाँ चेक करते 3 की पावर कितनी है 1, 3 की पावर 1, मैंने इसको लिख लिया, ठीक है मैंने न्यूमरेटर में लिख लिया, तो उस कंडीशन में लिख तो दिया, लेकिन कंडीशन क्या है कि अगर आप उसको लिख रहे हो डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिख रहे हो, तो जो भी आपकी पावर है पावर तो वही रहेगी, बस उसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो मैं 1/3 को इस फॉर्म में अगर लिखना चाहती हूँ तो मुझे लिखना पड़ेगा 3 raised to -1। इसी तरीके से अगर रिवर्स हम जाते हैं, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में लिखना चाह रहे हैं हम, जैसे इसी को लिख रहे हैं, न्यूमिनेटर को हमको डिनोमिनेटर में लिखना है, तो लिख तो देंगे हम, लिख दिया हमने 1/3 की पावर 1, अब यहाँ माइनस है तो साइन रूल क्या कहता है कि लिख दो, लेकिन पावर का जो साइन है वो आपको चेंज करना पड़ेगा, अपोजिट साइन लगाना पड़ेगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस लेना पड़ेगा, तो 1/3 विच वॉज द क्वेश्चन। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी, यहाँ पर हमको क्या 7 raised to -4 को कैसे सॉल्व करते हैं हमको नहीं पता, तो हम क्या करेंगे इसको पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करेंगे, तो पॉजिटिव पावर में कैसे कन्वर्ट होगा, जब ये जो चीज़ न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में जाएगी तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, अभी ये ऊपर है अंश में है, हर में जब इसको लेकर के आएंगे तो ये 4 का तो 4 ही रहेगा लेकिन इस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 1/7 raised to 4, तो इसको तो सॉल्व करना हमको आता है, इसको नहीं आता, तो पहले इसको पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करेंगे, 1/7 का मल्टीप्लाई 4 टाइम्स, 1, 2, 3 and 4, ओके इसका जो भी फैक्टर बनता है एट द एंड हम आंसर लेकर के आते हैं। अब देखो आगे, जैसे इसी तरीके का क्वेश्चन है 2/3 का whole power -3, तो यहां पर दो तरीके से इस चीज को किया जा सकता है, दोनों में से जो अच्छा लगे यू कैन कंटिन्यू। 2/3 का whole power -3 अगेन नेगेटिव है, होल पावर जब भी नेगेटिव होता है तो नेगेटिव पावर को सॉल्व करना हमको नहीं आता, लेकिन वी नो कि पॉजिटिव पावर को कैसे सॉल्व करना है, तो हम इस नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, न्यूमरेटर को जब हम डिनोमिनेटर में लेते हैं तो व्हाट हैपन, अपॉन में कुछ नहीं यानी कि 1, ये चीज़ समझ आती तो ठीक, नहीं तो इसका एक अनदर मेथड भी, वो भी हम पढ़ेंगे 2/3, तो इसका जब हम रिवर्स करेंगे 1/2/3 लिखेंगे, तो जैसे हम लिख रहे थे ना 6 की पावर -3, तो इसको हम डिनोमिनेटर में लिखना चाह रहे, तो 1/6 की पावर इस माइनस का प्लस हो गया, तो अब क्या है इस 6 की जगह पर ओवरऑल 2/3 है, तो इसको हम डिनोमिनेटर में लिखना चाह रहे पूरे के पूरे को 2/3 को, तो क्या बनेगा 2/3, ये 1 समझ नहीं आता तो जस्ट इरेज इट, कोई ज़रूरत नहीं इसको लिखने की, 2/3 पूरा पूरा हमको डिनोमिनेटर में चाहिए, क्यों, ताकि हमारा जो नेगेटिव पावर है वो पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट हो जाए, तो हमने लिख दिया रूल के अकॉर्डिंग, जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आएगा, जब भी अंश हर में आएगा, तो जो साइन होंगे पावर के वो चेंज हो जाएंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस बन जाएगा, इसको सॉल्व करना तो हमको आता है ना, तो यहाँ पर क्या बनेगा 1/2
2 की पावर 3, वेन एवर वी डू ए अपॉन बी की होल पावर एन, तो ए की भी पावर एन होगी और बी की भी पावर एन होगी, तो 2 की पावर 3 अपॉन 3 की पावर 3। अब ये चीज को सॉल्व करना आपको आता है या नहीं आता है? जब भी ऐसा सिचुएशन बनता है आपके पास ऐसा लिखा है 2 अपॉन 3 अपॉन 4 अपॉन 5 मान लेते हैं, तो आप यहाँ पर क्या करते हो? पहली चीज, या तो ऐसा करते हो आप इस चीज को 2 अपॉन 3 जैसा लिखा है वैसा को ऐसा रखते हो और अपॉन में ये जो है ये चीज रिवर्स होकर के मल्टीप्लाई में आ जाती है, रेसिप्रोकल। अगर 4 अपॉन 5 है तो 5 अपॉन 4 हो जाएगा, 5 अपॉन 4 आकर के मल्टीप्लाई में आ जाती है। यही चीज को एक अनादर तरीके से कह सकते हैं, वो क्या है, 2 अपॉन 3 अपॉन 4 अपॉन 5। ये चीज कही ना मैंने 2 अपॉन 3 अपॉन 4 अपॉन 5। तो इस चीज को जब हम देखते हैं, न्यूमरेटर इज अ थिंग, ये पहले से बैठा हुआ है, 4 पहले से बैठा हुआ है, अपॉन के ऊपर भी एक और फ्रैक्शन आ गया, अपॉन के नीचे भी एक फ्रैक्शन आ गया, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर्स को तो वहीं बिठा के रखते हैं कि ये लोग पहले सीट पर बैठ गए, अब स्पेस नहीं है, जो भी एक्स्ट्रा आए हैं उनको कहेंगे कि कहीं और जाके बैठो, तो ये चले जाएंगे नीचे 3 एक्स्ट्रा में, यहाँ पर 5 एक्स्ट्रा में, 5 चला जाएगा ऊपर, तो क्या सिचुएशन बनेगी, जो पहले से बैठे हुए हैं वो तो यही रहेंगे, जो पहले आए वो पहले बैठ गए, ये लोग खड़े हैं तो अब क्या करेंगे, प्लेसेस चेंज कर देंगे, 5 जो है कहीं और जाएगा यानी कि ऊपर की तरफ, और ये जो 3 एक्स्ट्रा में है वो नीचे आ जाएगा, तो इंटू 3, तो जो चीज़ आप रिवर्स कर रहे थे वही चीज़ ये है। तो इसका सिंप्लीफिकेशन इस तरीके से, तो यहाँ पर भी देखो न्यूमरेटर पहले से आगे बैठ गया है, ठीक है, न्यूमरेटर बैठा हुआ है, डिनोमिनेटर एक्स्ट्रा में है, हर हमारा एक्स्ट्रा में, तो क्या होगा, ये एक्स्ट्रा प्लेयर ऊपर चला जाएगा, तो क्या बनेगा, 1 इंटू 3 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3। आया समझ में? तो क्या बनेगा आपका, ये 3 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3, तो ये जो भी सॉल्यूशन इसका बनता है, 3 की पावर 3 होता है 27, 2 की पावर 3 होता है 8, दैट इज योर आंसर। तो दिस इज द सॉल्यूशन, इस तरीके से हमको सॉल्व करना, नेगेटिव पावर दिख रही है दैट मीन्स उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दो, और तरीका क्या, अगर वो चीज़ डिनोमिनेटर में पड़ी है तो न्यूमिनेटर में लेके चले जाओ, न्यूमिनेटर में पड़ी है तो डिनोमिनेटर में लेके चले जाओ, जैसे आपका क्वेश्चन जैसे ऐसा दे दिया मैंने, ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, नाउ सॉल्व इट, यू डोंट नो हाउ टू सॉल्व नेगेटिव पावर, तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करो। पॉजिटिव में कब होगा, जब जो चीज डिनोमिनेटर में पड़ी उसको न्यूमिनेटर में ले गए, न्यूमिनेटर में पड़ी उसको डिनोमिनेटर में ले गए, हर्ष को हर में ले गए, हर को अंश में ले गए, तो यहाँ पर क्या बनेगा, इसको हम अंश में ले आएंगे, तो 2 अपॉन 5 को अंश में ले आए, होल पावर क्या हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का 2, तो इसको मान लेके चले गए अपॉन वाला 1, मैटर ही नहीं करता है, चाहे तो लिखो या फिर मत लिखो, तो इसको तो सॉल्व करना आता है, 2 × 2 अपॉन 5 × 5, तो इस तरीके से इन सबका सॉल्यूशन करना है। अब कुछ लॉज है वो देख लो, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स, देखो ये इसमें क्या होता है, जब भी हम ये चीज़ लिखते हैं 2 की पावर 3 है मान लेते हैं, इसको कहते हैं हम बेस यानी कि आधार, और इसको कहते हैं हम एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट, इसी चीज़ को पावर भी कहते हैं और इसी चीज़ को डिग्री भी कहते हैं, तो ये चीज़ें एक ही है, देख करके कन्फ्यूज नहीं होना है, दिस द एक्सपोनेंट, दिस द बेस। जैसे कुछ लॉज है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स, रियल नंबर्स का मतलब हो गया पॉजिटिव भी आ गया, नेगेटिव भी आ गया, पी बाय क्यू फॉर्मेशन भी आ गया, एवरीथिंग, बट नंबर शुड बी रियल, फर्स्ट थिंग, ठीक है, हर टाइप का नंबर रियल नंबर में आ जाता है, बस वो रियल होना चाहिए बस। तो अब देखो लॉज क्या क्या है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, फॉर रियल नंबर्स,
क्या लॉज है, लॉज अगर आपको पता चल के एक्सरसाइज आप अपने आप कर लोगे। लॉज क्या है जो आपको पहले से पता है, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन ए रेस्ट टू एम इंटू ए रेस्ट टू एन। तो ये क्या होता है, जब भी सेम बेस मल्टीप्लीकेशन में होता है, जैसे आपके पास फॉर एग्जाम्पल ऐसा है 6 की पावर 2 इंटू 6 की पावर 3, तो जब हम देखते हैं बेसिस सेम है तो उस कंडीशन में क्या इस चीज़ को लिखा जा सकता है। अगर सेम बेस दिख रहे हैं फिर पावर को हम ऐसे ध्यान नहीं रखते, अगर बेसिस सेम है, बेस आधार समान है और वो चीज़ मल्टीप्लीकेशन में, तो मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है कि समान आधार होने पर तो एक बार इसको लिख लेंगे, सिंगल टाइम लिखेंगे और जो पावर है वो ऐड हो सकती है 2 + 3। समान आधार के लिए मल्टीप्लीकेशन में गुणनफल के लिए जो घातें होती है वो जुड़ जाती है, इसको घात कहते हैं पावर। तो ठीक है, तो सेम बेस होने पर पावर्स जो है वो ऐड हो जाती है, इन मल्टीप्लीकेशन दे ऐड और इन डिवाइडेशन दे सब्ट्रैक्ट। आपने 8th में भी पढ़ा था, वेन एवर वी हैव सेम बेसिस देन इन मल्टीप्लीकेशन पावर ऐड एंड इन डिवाइडेशन पावर सब्ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर सेम बेस था तो 1 times बेस को लिखेंगे और 2 + 3। इस तरीके से रिवर्स भी पॉसिबल है, अलग अलग स्प्लिट करके लिखना है 6 की पावर 2 इंटू 6 की पावर 3, तो एट द एंड आंसर क्या है 6 की पावर 5। तो यहाँ पर a की पावर m इंटू a की पावर n, तो सेम बेस है तो a लिख दिया और पावर्स मल्टीप्लीकेशन में जो होती है वो ऐड हो जाती है। कब ऐड होगी, जब बेसिस जो होंगे वो सेम होंगे। सेकेंड जस्ट रूल्स लिख लो आप, क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन, सेम बेसिस है और सब्ट्रैक्शन है, सॉरी डिवाइडेशन है। मल्टीप्लीकेशन में तो पावर्स ऐड हो जाती है और डिवाइडेशन में पावर्स जो होती है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। दैट इज इक्वल टू ए की पावर एम माइनस एन। ये कब होगा, वेन एम इज ग्रेटर देन एन। थर्ड है ए की पावर एम, अगर पावर की पावर दी जाती है, ए की पावर एम का होल पावर एन, ये इसका एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। जैसे 8 की पावर 2 है, होल पावर 3 दे रखा है, इस नंबर की भी पावर 3 दे रखी है, तो इसका मतलब तब क्या होगा 8 होल पावर की होल पावर, तो 8 की पावर 2 की भी पावर 3, तो यहाँ पर क्या होती है ये जो पावर्स होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 × 3 = 6, तो 8 की पावर 6। उसी तरीके से a की पावर m का होल पावर n है, तो ये बन जाएगा a की पावर m इंटू एन। फोर्थ प्रॉपर्टी आती है a की पावर m अपॉन b की पावर m, ए की भी पावर एम है और बी की भी पावर एम। अब की बार क्या, पावर सेम है और नंबर्स डिफरेंट है, कोई बात नहीं, ए की भी पावर एम बी की भी पावर एम, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं इसको ए अपॉन बी की पावर एम। ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, हम यहाँ से शुरू करते हैं ए अपॉन बी की होल पावर एम, तब तो हम ए की भी पावर एम करते हैं और बी की भी पावर एम, तो रिवर्स भी पॉसिबल है, ए रेस्ट टू एम अपॉन बी रेस्ट टू एम। बेसिस चार डिफरेंट है, पावर सेम है, तो इसका मतलब होल पावर में एम हम लिख सकते हैं। इसके बाद कौन सी बचती है, a रेस्ट टू m इंटू b रेस्ट टू m, दैट इज अ पावर सेम है, तो इसका मतलब होल पावर में आप उस चीज़ को लिख सकते हो a इंटू b की पावर m। लास्ट नंबरिंग क्या थी, 4, दिस इज 5। देन 6th रूल, 1 अपॉन ए रेस टू एम, तो ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इस चीज़ को और क्या लिख सकते हैं, अभी ये डिनोमिनेटर में, आई वॉन्ट इट इन द न्यूमिनेटर, मुझे ये अंश में चाहिए, तो ए की पावर एम तो लिख दिया बट कंडीशन अप्लाई, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस, साइन आपको पावर का चेंज करना पड़ेगा, पावर चेंज नहीं होगी और ना ही वो नंबर चेंज होगा, नंबर पूरा चेंज सेम ही रहेगा, बस पावर जो है उसका साइन डिफरेंट आ जाएगा, अपोजिट आ जाएगा। एक और बचता है a रेस टू माइनस m है, हम चाहते हैं कि ये जो हमारा न्यूमरेटर है अब की बार डिनोमिनेटर में आ जाए, तो इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं, तो बोथ थिंग्स आर इक्वल, ये चीज़ इक्वल है इसके, ये चीज़ इक्वल है, मतलब रिवर्स भी पॉसिबल है। क्या बचा, 8th लास्ट देख लो,
ए रेस टू जीरो इज इक्वल टू वन, किसी भी नंबर का पावर अगर जीरो है तो दैट मीन्स दैट इज नंबर वन. ओके, आई डोंट थिंक इसके अलावा और कुछ बचा है. एक स्क्वायर रूट का बचा है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. और जो लास्ट बची है एक्सरसाइज 1.7, वो भी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, होमवर्क आपका कंप्लीट रखना, और जो आपका सब्सक्रिप्शन बटन है वो भी प्रेस कर दीजिएगा. ओके, थैंक यू. गुड मॉर्निंग क्लास 9, पार्ट 29 पढ़ेंगे यूनिट ऑफ लाइफ का, जिसमें माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे. माइक्रोस्कोप को मैंने स्टार्ट किया था, माइक्रोस्कोप भी कौन सा, सेकंड वाला. पहले हमने जो पढ़ा था वो नॉर्मल था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसकी स्टडी कर ली थी. देन अब स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो कि मैंने इंट्रोडक्शन मैंने आपको पढ़ा दिया था. इंट्रोडक्शन के बाद में आज वो प्रोसेस कैसे करता है काम, इलेक्ट्रॉन बीम का नाम आया था. उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वर्ल्ड ही क्यों यूज़ किया होगा, दैट मीन्स उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का कुछ रोल है, कैसे क्या काम करता है, और कैसे आपकी इमेज बनती है किसी थिन सेक्शन को या किसी सेल की स्टडी करनी हो अगर आपको, तो ये माइक्रोस्कोप आप कैसे यूज़ में ला सकते हो. ये माइक्रोस्कोप आपको जनरली लैब में नहीं दिखेगा. हमारी जो स्कूल की लेबोरेटरीज होती है उनमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है. ये जो होता है वो हाईली जो बहुत बड़ी बड़े लेबोरेटरीज में जो बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं वहाँ पर इसे माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है. आपको स्टडी करना, आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, इसलिए ये चीज़ जो है वो इस क्लास के कोर्स में ऐड की है. पिछले साल ये कुछ भी माइक्रोस्कोप की स्टडी वगैरह 9th में नहीं दी गई थी. आपको दिए तो अच्छी बात है, आपका नॉलेज ही बढ़ जाएगा. अब जैसे यहाँ पे दे रखा है, यहाँ तक मैंने बता दिया था कि ये इतना समझ लो आप इंट्रोडक्शन के हिसाब से कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ ये है, या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल अगर कोई निभाता है तो वो है इलेक्ट्रॉन बीम, यानी इलेक्ट्रॉन पार्टी, इलेक्ट्रॉन्स का किसी जो हम जिसका स्टडी करने जा रहे हैं उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की बॉम्बार्डमेंट करवाई जाती है, यानी बमबारी करवाई जाती है. आपने रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट आई थिंक अभी तक नहीं पढ़ा है, इसी 9th क्लास में जब एटॉमिक स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे तो उसमें रदरफोर्ड का एक एक्सपेरिमेंट आएगा, तब आपको समझ में आएगा कि इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट कैसे करवाई जाती है और कैसे किसी एटम को समझने के लिए सबसे पहले रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ किया था. तो वो समझोगे उस टाइम पे भी ये क्लियर हो जाएगा. होता क्या है, यहाँ पे जैसे दे रखा है देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कि वापस दो टाइप होते हैं. एक काम होता है इसका ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इसमें क्या होता है, इट इज़ यूज्ड टू ऑब्जर्व फाइन स्ट्रक्चर ऑफ सेल. ये जो यूज़ किया जाता है वो बहुत फाइन स्ट्रक्चर यानी बहुत ही बारीकियों को देखने के लिए किया जाता है. अल्ट्रा थीन सेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट आर प्रिपेयर्ड एंड दे आर स्टैंड विथ. हाँ, क्या होता है कि बहुत ज़्यादा थीन सेक्शन लेना है वो तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी लेना था. किसी भी, मैंने बताया था पहले भी माइक्रोस्कोप पढ़ाया था कि तो जब भी आप किसी सेल की स्टडी करने के लिए आप जाते हो तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप उसका कितना थीनर सेक्शन लेते हो. थीनर मतलब बहुत ज़्यादा पतला, जितना थीन सेक्शन होगा उसमें सेल्स की, एक एक सेल्स की क्लियरिटी अच्छे से दिखाई देगी. तो थीन सेक्शन लेना है, थीन सेक्शन के बाद उसको क्या करते हैं, हम स्टेन करते हैं. कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी यही चीज़ पड़ी थी कि आप किसी भी सेल को लो, उसको आप स्लाइड पे डालो, ग्लास स्लाइड पे डालने के बाद उसको आप क्या करोगे, स्टेन करोगे, वाटर अमाउंट डालोगे ताकि वो उसकी सेल्स जो है वो ड्राई अप ना हो, सूखे नहीं. और सूखने के बाद भी दूसरी बात ये कि उसके ऊपर स्टेनिंग मटेरियल डालते हो. स्टेनिंग मटेरियल आपको पता है किसी भी सेल को कलर देने के लिए कलरिंग एजेंट यूज़ किया जाता है, जैसे वहाँ पर यूज़ करते थे सेफ्रेनिन. ठीक है, अब यहाँ पे ये फर्क हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में स्टडी कर रहे हो तो वहाँ पे आपको किसी लिक्विड पोर्शन की या किसी सेफ्रेनिन मटेरियल की, किसी भी स्टेनिंग मटेरियल की ज़रूरत नहीं है. उसकी जगह पे आपको क्या लेना है, ये लिखा है यहाँ पर, हैवी मेटल गोल्ड और पैलेडियम टू मेक सर्टेन डीपर. यानी कि ये कि जैसे ही यहाँ पे कोई स्लाइड किसी पे आप सेक्शन ले लेते हो, उस सेक्शन को आपको वाटर का ड्रॉप नहीं डालना है, उस पर आपको सेफ्रेनिन नहीं डालना है, सेफ्रेनिन की जगह पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में स्टेनिंग मटेरियल के रूप में क्या यूज़ किया जाता है, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है. तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में एज ए स्टेनिंग मटेरियल किसका यूज़ करते हैं, किसी भी मेटल का, और वो मेटल भी कौन से हो सकते हैं, एक तो गोल्ड और दूसरा हो सकता है पैलेडियम. पैलेडियम जिसका फॉर्मूला होता है, जिसका सिम्बॉल होता है PD. ठीक है, तो इन मेटल्स का आप यूज़ कर सकते हो उसको स्टेन करने के लिए. ठीक है, अब हमने स्टेन कर दिया, अब स्टेन करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको देखेंगे. देखने से पहले क्या होता है, पढ़ते हैं.
पार्ट डेंस एंड इंसर्टेड इन द वैक्यूम चैम्बर ऑफ द माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के वैक्यूम चैम्बर में उसको रखना है, जहाँ पर जिस स्लाइड पे आपने अपना स्पेसिमेन रखा है, जिसको आपको पढ़ना है, जिसकी आपको स्टडी करनी है, उसको रखने के बाद उस चीज़ को आपको किसी स्टेज पे, जैसे कंपाउंड में कंपैरिजन करते हुए इसलिए बता रही हूँ क्या, ताकि आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में डिफरेंसेस भी याद रहे, कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एक स्टेज होता है, स्टेज पे दो क्लिप लगी होती है और उस क्लिप के बीच में आपको अपनी स्लाइड फंसानी होती है, अटैच करनी होती है, ताकि वो हिले नहीं और हम उसको देख सकें। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में एक चैम्बर बना होता है, उस चैम्बर में आपको अपना मटेरियल, आपका स्पेसिमेन आपको पुट करना होता है। वो जो चैम्बर होता है वो वैक्यूम होता है, वैक्यूम यानी उसमें कभी भी एयर नहीं जा सकती, मतलब वो एयर टाइट होता है। उस चैम्बर में आपको वहाँ पर वो रख देना है। कैसे रखना है, तो वो उसको स्टैन करके, स्टैन किससे करना है, गोल्ड और पैलेडियम से। अ 10,000 वोल्ट इलेक्ट्रॉन बीम इज फोकस्ड ऑन द सेक्शन एंड मैनिपुलेटेड बाय मैग्नेटिक लेंस, मतलब 10,000 वोल्ट इलेक्ट्रॉन बीम, मतलब इतने वोल्ट से उसके ऊपर, अब जिस चैम्बर में हमने स्पेसिमेन रखा है उसके ऊपर 10,000 बीम से हमको क्या डालने हैं, इलेक्ट्रॉन की बॉम्बार्डमेंट करनी है। अब क्या होगा, मैनिपुलेटेड बाय मैग्नेटिक लेंस। अब क्या होता है, जिस चैम्बर में हमने उस स्पेसिमेन को रखा है वो चारों तरफ से बंद है, उसके नीचे एक क्या लगा हुआ है, लेंस लगा हुआ है। जैसे इसके ऊपर से आप इलेक्ट्रॉन्स की बॉम्बार्डमेंट करोगे, यहाँ पर लेंस पर क्या बनेगी, उसकी इमेज बनेगी, मतलब इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन के जो बीम गिराए हमने, वो इस स्पेसिमेन को क्रॉस करके कहाँ गिरेंगे, लेंस पर। और लेंस पर गिरने के बाद वो जिस तरह से सेल का स्ट्रक्चर होता है उसको क्रॉस आउट करके वो हमारा जो नीचे लेंस लगा होता है उस लेंस पर वो उसकी इमेज बनाकर छोड़ देते हैं। दैट मीन्स ये कि आपका जो मटेरियल आपने लिया वो उसकी पिक्चर बना देता है लेंस पर, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। या लिखा है मैग्नेटिक लेंसेज अ फोटोग्राफ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द इमेज मे बी इनलार्ज्ड विद इनफ रिजोल्यूशन टू अचीव अ टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ ओवर 20 million times, 20 million times उसका मैग्निफिकेशन पावर होता है, जिसकी हेल्प से आप उसको देख सकते हो। सेकेंड लिखा है यहाँ पर, इन दिस द इमेज इज, हाँ सेकेंड कौन सा टाइप है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग किस तरह से किया जाता है, आप चाहो तो नोट्स में सीधा आप ए और बी दोनों पॉइंट के आंसर लिख देना, मतलब ए वाला माइक्रोस्कोप कैसे काम करता है और सेकेंड जो स्कैनिंग वाला होता है वो किस तरह से अपना प्रोसेस करता है। इन दिस द इमेज इज फॉर्म्ड बाई इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। स्कैनिंग उसमें क्या था, ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन हम गिरा रहे, इसमें भी इलेक्ट्रॉन यूज़ कर रहे हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन यूज़ कर रहे हैं, पर उसमें क्या हो रहा था, ट्रांसमिशन में इलेक्ट्रॉन को गिराने के बाद वो इलेक्ट्रॉन नीचे लेंस पर क्रॉस आउट हो रहे थे, मतलब हमारे सेक्शन को वो क्रॉस करके कहाँ जा रहे थे, नीचे लेंस पर जा रहे थे, और नीचे लेंस पर क्या छोड़ रहे थे, अपनी इमेज या अपना फोटो छोड़ रहे थे कि वो सेल कैसा दिख रहा है। स्कैनिंग माइक्रोस्कोप में क्या होगा, वो जो इलेक्ट्रॉन हम उस पर गिराएंगे वो क्रॉस आउट होकर नीचे लेंस पर नहीं जाएंगे, उसके चारों तरफ लेंस लगे होते हैं, एक चैम्बर होगा। एक तो ये बात हो गई कि चैम्बर के नीचे हमने चैम्बर के ऊपर यहाँ पर एक मटेरियल रख दिया, स्पेसिमेन रखा, नीचे लेंस है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स टकराएंगे यहाँ पर एक इमेज या प्रॉपर फोटो बन जाएगी, ये चीज़ थी। दूसरी बात ये हो जाती है, दूसरा जो हमारा स्कैनिंग माइक्रोस्कोप है उसमें क्या होता है कि यहाँ पर स्पेसिमेन रखा, यहाँ पर लेंस नहीं होता है, लेंस इसके चारों तरफ होते हैं। अब क्या होता है, जैसे ही इस पर इलेक्ट्रॉन की बॉम्बार्डमेंट करवाएंगे वो इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्ट होंगे, रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पर जितने लेंसेस हैं वहाँ पर वो अपनी इमेज बनाएंगे। दैट्स वाई यहाँ पर जो इमेज बनती है वो आपको थ्री डायमेंशनल में मिलती है, डायमेंशनल का मीनिंग होता है 3D। तो यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो आपकी कैसे बनेगी, 3D इमेज बनेगी, यानी जिस सेल की आपकी स्टडी करने जा रहे हो वो स्कैनिंग माइक्रोस्कोप में आपको 3D इमेज देगा। यहाँ लिखा है दिस इमेज, द इमेज फॉर्म्ड बाय दिस माइक्रोस्कोप हैज़ अ रिमार्केबल 3D अपीयरेंस। यहाँ पर जो इमेज फॉर्म होने वाली है वो आपको 3D में मिलेगी। अपीयरेंस, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन ऑफ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आर यूजुअली अराउंड 20,000 times, इतना ज़्यादा वो मैग्निफिकेशन कर सकता है। इट इज़ यूज्ड टू स्टडी द सर्फेस ऑफ द सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। स्कैनिंग माइक्रोस्कोप का कहाँ यूज़ किया जाता है, क्यों किया जाता है, जब किसी ऑर्गेनिज्म की सेल की सरफेस की स्टडी करनी हो तब हम किसका यूज़ करते हैं, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। आई होप आपको दोनों समझ में आए होंगे। एक बार मैं वापस बैक टू इसके पिक्चर पे चली जाती हूँ, कैसे एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमारा दिखता है। तो ये आपको दिख रहा है डायग्राम में, ये इस तरह से होता है, यहाँ पे होता है इंसुलेटर,
जहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉनिक गन है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन गन से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। इसकी हेल्प से यहाँ से इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन सिक्रीट होंगे, बॉम्बार्डमेंट होंगे। फिर स्पेसिमेन पोजीशन, यहाँ पे हमको अपना रखना है स्पेसिमेन जिसको हम देखना है। तो ये क्या होगा, एक वैक्यूम चैम्बर होगा, इस चैम्बर में अपने स्पेसिमेन को रखा है। नेक्स्ट यहाँ पे जो होगा बाइनोक्यूलर व्यू, बाइनोक्यूलर का व्यूअर का मीनिंग होता है, यहाँ पे आप अपनी दोनों आईज की पोजीशन को सेट करके पिक्चर या इमेज को पूरी तरह से देख सकते हो। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या था, वहाँ पर सिर्फ एक आई पीस होता था, हमें एक आँख अपनी क्लोज रखनी पड़ती थी, दूसरी आँख का ही यूज़ करके, कोई से भी एक आँख का यूज़ करके ही आप पिक्चर को देख सकते थे। यहाँ पर आपको बाइनोक्यूलर व्यूअर मिलेगा, यानी आप अपनी दोनों आईज की पोजीशन को सेट करके आप उसको देख सकते हो। नेक्स्ट है कंट्रोल पैनल, यहाँ से कंट्रोल सिस्टम चलता होगा, और ये जो होता होगा वो फोटो प्लेट है, जहाँ पे लेंस से इसके थ्रू क्या बनती होगी, इमेज का फॉर्मेशन होता। तो इस तरह से स्ट्रक्चर किसका होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे डू यू नो में कुछ दे रखा है, उससे पहले एक छोटा सा कॉलम दे रखा है जिसमें अमीबा और WBC सेल की बात की है। सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो हेल्प इन लोकोमोशन ऑफ सम सेल। सेल मेम्ब्रेन जो होती है कहाँ होती है, सेल वॉल। एक सेल, सेल का सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या है, हमारा सेल वॉल। और सेल वॉल के अंदर वाली इनर मोस्ट लेयर कौन सी होती है, सेल मेम्ब्रेन। तो ये सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो हमारे किसी भी ऑर्गेनिज्म के लोकोमोशन, लोकोमोशन का मीनिंग होता है मूवमेंट, मूवमेंट कराने में हेल्प करती है। अमीबा एंड WBC मूव विद द हेल्प ऑफ देयर स्यूडोपोडिया। आपको पता है अमीबा जो होता है उसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता, सेम एज इट इज़ हमारी बॉडी में। एक सेल की बात करो तो WBC वाइट ब्लड सेल में भी अमीबा जैसा शेप होता है, कोई शेप नहीं होता, वो बार बार अपना शेप इरेगुलर यानी चेंज करता रहता है। तो वो जो होता है वो किसकी वजह से ऐसा चेंज करता है, तो उसके अंदर जो होती है वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो लिक्विड को कंट्रोल करता है, तो उसका शेप बार बार चेंज होता रहता है। जैसे ही उसको कोई फूड पार्टिकल या वायरस बैक्टीरिया दिखता है वो अपने अंदर स्यूडोपोडिया बना देता है। पता है ये सब चीज़ें आपको। इन फाइब्रोब्लास्ट सेल्स ऑफ मैमल्स मूवमेंट इज कॉज्ड बाय वेव लाइक अनड्यूलेशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये वही बोल रहा है कि वेव लाइक मूवमेंट करके कभी भी कहीं पर भी स्यूडोपोडिया बना देगा, फिक्स नहीं होगा कि वो इसी साइड से स्यूडोपोडिया बनाएगा। तो ये चीज़ होती है सेल मेम्ब्रेन का। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट सम मरीन बर्ड्स, सीगल एंड पेंगुइन्स। मरीन बर्ड्स तो पता है आपको, जो सी वाटर या सेलाइन वाटर में रहते हैं, सॉल्टी वाटर में, जैसे सीगल और पेंगुइन, दोनों नाम सुने होंगे आपने, ड्रिंक हाइपरटोनिक सॉल्टी सी वाटर, क्योंकि वो सॉल्टी वाटर के आसपास ही रहते हैं, वहाँ उनको कौन मीठा पानी देने जाएगा, फ्रेश वाटर वहाँ होता ही नहीं। तो जो वाटर होगा वहीं पे वो ही पानी पियेंगे, तो वो कौन सा पानी पियेंगे, सॉल्टी वाटर। तो उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा क्या बढ़ जाता है, सॉल्टी वाटर। क्या होता है फिर, सॉल्टी सी वाटर बट दे कंटिन्यूसली रिमूव एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट थ्रू देयर सॉल्ट ग्लैंड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मतलब ये कि सीगल और पेंगुइन जो कि सी या मरीन वाटर में रहते हैं, तो मरीन वाटर में रहने वाले जो मरीन बर्ड्स होते हैं उनमें ये क्या होती है, एक स्पेशल टाइप की ग्लैंड होती है जिनको हम बोलते हैं सॉल्ट ग्लैंड। उन सॉल्ट ग्लैंड से उनकी बॉडी का एक्सेसिव सॉल्ट बार बार बॉडी से निकल जाता है, ताकि बॉडी में ज़्यादा सॉल्ट का अमाउंट चेंज ना हो, मतलब बढ़े नहीं, इंक्रीज ना हो। और ये किस मूवमेंट या किस ट्रांसपोर्ट की वजह से सॉल्ट बाहर निकलता है, तो वो है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। हमने पढ़ा ना जो पैसिव ट्रांसपोर्ट पहले पढ़ा था जिसमें ऑस्मोसिस डिफ्यूजन देगा, फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा जिसमें हमने ये बात भी की थी कि टॉक्सिक सब्सटेंस जो बनते हैं हर एक सेल में, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, साइनाइड वगैरह, तो उनको बॉडी से आउट करने के लिए कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इन एनिमल्स की बात करें तो इनमें भी जो एक्सेसिव सॉल्ट बनता है वो वहाँ से बाहर निकलता है थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पे जो डू यू नो दे रखा है वो है सेल वॉल, न्यू टॉपिक है। हमने सेल मेम्ब्रेन को फिनिश कर दिया, अब सेल वॉल पढ़ेंगे। सेल वॉल के बाद एक एक ऑर्गेनिल पढ़ेंगे, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एटसेट्रा। यहाँ तक आप अपने नोट्स कंप्लीट रखना। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इसके अंदर मैंने आपको मेन कॉजेज बताए थे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों हुआ था, और उसका एक वीडियो भी बताया था। उससे आपको लेसन के बारे में ये तो पता चल गया होगा कि लेसन में क्या दे रखा है, किसके बारे में बता रखा है, और आखिर जो ये रिवॉल्यूशन हुआ था
जो बहुत बड़े पैमाने पर हुआ था और आखिर के लोगों को स्वतंत्रता भी मिल गई थी, रिपब्लिक शासन भी आ गया था वहाँ पर, तो ऐसे कौन कौन से रीजन थे, क्या क्या थे, ये आपने लास्ट वीडियो में देखा था जिससे आपको पता चल गया होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के रीजन्स क्या क्या थे। अब हम सबसे पहले इसमें ग्लोसरी वर्ड पढ़ लेते क्योंकि ये लेसन आपके लिए रीडिंग के अकॉर्डिंग कहा जाए, प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग कहा जाए तो बहुत टफ होगा। तो हम पहले इसके ग्लोसरी वर्ड देख लेते हैं और इससे आपको पता चल जाएगा कि पर्टिकुलर आपकी बुक में देखना ये जो ग्लोसरी वर्ड दे रखे हैं उनको हाईलाइट कर रखा है क्योंकि इनका पर्टिकुलर कोई मीनिंग निकलता है और इन्हीं के बेस पर आपका लेसन डिपेंड करता है कि क्या क्या इसमें दे रखा है। देखो फर्स्ट ग्लोसरी वर्ड दे रखा है आपको लीवर है। क्या मीनिंग होता है लीवर का? यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस दैट वाज डिसकंटिन्यूड इन 1794, यानी कि वहाँ की करेंसी थी कहाँ की, फ्रांस की, जिसको 1794 में डिसकंटिन्यू यानी कि उसको बंद कर दिया। जैसे अभी अपने इंडिया की करेंसी कहा जाए क्या कहेंगे, रुपया, तो वहाँ पर फ्रांस की करेंसी क्या थी, लीवर, जिसको 1794 में क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट आता है फेड्यूल सिस्टम। फेड्यूल का मतलब होता है सामंती जो व्यवस्था थी वो कैसी थी। देखो दिस सिस्टम एग्जाइटेड इन द मिडिल एज इन यूरोप, ये कब, यूरोप का जो मध्यकाल था उस समय स्थापित थी। इन दिस सिस्टम पीपल रिसीव्ड लैंड एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम अ लॉर्ड फॉर विच दे वर्क्ड एंड फॉट। क्या दे रखा है यहाँ पर, पीपल रिसीव्ड लैंड एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम अ लॉर्ड फॉर विच दे वर्क्ड एंड फॉट। वो जो सामंती वर्ग के जो लोग थे वो क्या करते थे, सामंती के अंदर कौन आएंगे, जो पूंजीपति या कह सकते जो पैसे वाले, जिसके अंदर जो भी भूमि होती थी उसको वो रिसीव करना और उसकी सुरक्षा करना, उसके बाद उसके अलावा उसके ऊपर काम करवाना, ये सारा काम कौन करते थे, फेड्यूल सिस्टम के अंदर ये सारा सिस्टम आएगा। नेक्स्ट देखा क्लर्जी, ग्रुप ऑफ पर्सन इन चेंज ऑफ स्पेशल फंक्शन इन द चर्च। आप इसको इस समझते हो, पादरी, नाम सुना होगा अपने चर्च में जो पादरी होते हैं उनके लिए, दिया ग्रुप ऑफ पर्सन इन चेंज ऑफ स्पेशल फंक्शन इन द चर्च, ऐसे लोगों का समूह जो चर्च के जो स्पेशल वर्क होते हैं उनको चेंज करने का पावर रखते हैं। तो वो कौन हो सकते हैं, पादरी हो सकते हैं, जो मेन पोस्ट पर कौन होते हैं चर्च के अंदर, पादरी होते हैं, तो आप क्लर्जी को एज अ पादरी नाम दे सकते हो। टाइथ टेक्स ए लेविट बाय द चर्च कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। क्या दे रखा, एक टैक्स लेने की जो प्रक्रिया थी टाइथ कहा गया उसको, और ये जो टैक्स लिया जाता है ये किससे लिया जाता था, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो भी कृषि का उत्पादन होता था उसके ऊपर कितना पार्ट लिया जाता था, 1/10 जो पार्ट लिया जाता है यानी कि 1/10 भाग जो लिया जाता था उसको क्या नाम दिया गया, टाइथ नाम दिया गया। नेक्स्ट है टैली, टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट बाय द मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट। आप लोगों ने जो वीडियो देखा था उसमें बताया था कि यानी कि यूरोप का जो शासन था वहाँ रूस फ्रेंच में जो शासन था तो वहाँ पर क्या कर रखा था, जो गवर्नमेंट थी उसको 3 स्टेट में डिवाइड कर रखा था। और जो टैली जो लिया जाता था यानी कि जो टैक्स लिया जाता था ये किससे लिया जाता था, मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट, जो थर्ड स्टेट के अंदर जो जो भी लोग आते थे उनसे जो टैक्स लिया जाता था उसको क्या कहा गया, टैली कहा गया। सब्सटेंट क्राइसिस एंड एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर एंडेंजर्ड। सस्टेन क्राइसिस का मतलब होता है जीविका उपार्जन के जो साधन होते हैं उसमें संकट उत्पन्न हो जाना यानी कि उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, एन एक्सट्रीम सिचुएशन, ऐसी समस्या या ऐसी सिचुएशन उत्पन्न हो जाना वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर एंडेंजर्ड, जहाँ पर आपके जीवन जीने के जो बेसिक मीन्स है, जो बेसिक साधन है वो भी आप के लिए संकटग्रस्त हो जाए, वो भी आपको उपलब्ध नहीं हो, तो उसको अपन किसके अंदर लेंगे, सब्सटेंस क्राइसिस के अंदर। नेक्स्ट है एनोनिम्स, वन हु नेम्स रिमेंस अननोन, जिसके बारे जिसका नाम अपन नहीं जानते उसको अपन कहेंगे एनोनिम्स। नेक्स्ट है मैनर, मैनर का मतलब आप ले सकते हो पर्टिकुलर जागीर जो होती है, बड़ी जो भूमि होती है, एंड स्टेट कंसिस्टिंग ऑफ द लॉर्ड लैंड्स एंड हिज मेंशन, दे रखा है किसकी ज़मीन होगी, लॉर्ड लैंड, जो बड़े बड़े पूंजीपति होते हैं जो भूमि के मालिक होते हैं उसको अपन क्या कहेंगे, मैनर। चिट्यू कास्टल और स्टेटली रेजिडेंस बिलोंगिंग टू अ किंग और नोबलमैन। चिट्यू के बारे में आप कह सकते हो ऐसे महल जहाँ पर बहुत बड़े बड़े पूंजीपति, राजा और रईस, नोबलमैन का मतलब होता है रईस, राजा और रईस लोग जो रहते हैं उनके आलिशान जो बंगले होते हैं, जो महल होते हैं उसको क्या नाम दिया गया, चिट्यू। मैसिलेस द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस, फ्रांस का नेशनल एंथम जिसका नाम क्या, मैसिलेस। कॉन्वेंट, नाम सुना आप लोगों ने, कॉन्वेंट स्कूल बोलते अपन,
बोलते हैं ना जो पर्टिकुलर धर्म के अनुसार संचालित होता है, तो यहाँ पर भी कॉन्वेंट क्या दे रखा, बिल्डिंग बिलोंगिंग टू अ कम्युनिटी डिवोटेड टू अ रिलीजियस लाइफ, पर्टिकुलर किसी भी धार्मिक संस्था से जो डिवोटेड होती है उसको अपन क्या कहेंगे, कॉन्वेंट। आप उदयपुर में भी चले जाओ तो वहाँ पर भी आपको कॉन्वेंट स्कूल मिल जाएंगे, यानी कि पर्टिकुलर धर्म से जो संचालित होते हैं ऐसे बिल्डिंग्स को कहा जाता है। सेंस क्वालिटी, दोस्त विदाउट नी ब्रिजेस, यानी कि घुटनों के बल बैठकर कोई भी जो काम करते हैं अपन, सन्यासी अपराधी जिसको कह सकते हैं। सेंस का मतलब यहाँ पर सन्यासी और कलर्स का मतलब होता है अपराधी, सन्यासी अपराधी, दोस्त विदाउट नी ब्रिजेस। नेक्स्ट है रिपब्लिक, हम सब जो नहीं जानते रिपब्लिक क्या होता है, क्योंकि हमारा देश भी क्या है, रिपब्लिक कंट्री है। अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, दे रखा है जिसके गवर्नमेंट का जो मेन हेड होता है उसका इलेक्शन किसके थ्रू होता है, पीपल के थ्रू होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, रिपब्लिक गवर्नमेंट कहते हैं। एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है ऐसी सरकार जिसमें शिष्ट लोग बैठते हो, शिष्ट का मतलब जिनका व्यवहार बहुत अच्छे हो, बहुत नॉलेज वाले हो, उनको अपन एरिस्टोक्रेसी के अंदर लेते हैं। द हाइएस्ट क्लासेस इन सम सोसाइटीज, दे रखा है यहाँ पर हाइएस्ट क्लास, उच्च वर्ग, समाज का उच्च वर्ग जिसको अपन कहेंगे वो किसके अंदर आएगा, एरिस्टोक्रेसी के अंदर आएगा। नेक्स्ट है गुलेटिन, गुलेटिन एक मशीन का नाम है। अ मशीन और अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ टू पॉल्स एंड ब्लैड विथ विच अ पर्सन इज बिहेडेड, क्या दे रखा है, एक ऐसे डिवाइस है जिसके दो पॉल्स होते हैं और बीच में ब्लैड होती है विच अ पर्सन इज बिहेडेड, जहाँ पर पर्सन को रखा। अब यहाँ पर आपके शो नहीं कर रखा है, वरना पर्टिकुलर आप सर्च करोगे तो पहले जो फांसी की सजा दी जाती थी तो उसके लिए इस गुलेटिन का यूज़ किया जाता था। इट वॉज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर गुलेटिन हु इन्वेंटेड इन, इसका नाम किसके बेस पर रखा गया, डॉक्टर गुलेटिन जिसने इसका आविष्कार किया था। तो यहाँ पर भी दे रखा टू पॉल्स होते हैं और बीच में क्या होती है, ब्लेड विच अ पर्सन इज बिहेडेड, बीच में पर्सन को रखा जाता है। और वैसे आप पर्टिकुलर सर्च करोगे तो पहले जो फांसी दी जाती थी वो इस गुलेटिन जो मशीन होती थी उसी के थ्रू दी जाती थी। नेक्स्ट दे रखा है डायरेक्टरी, डायरेक्टरी का मतलब क्या होता है, निर्देशिका। इट वॉज एन एग्जीक्यूटिव मेड ऑफ 5 मेंबर्स, जो किसके, पांच या पांच लोगों का जो समूह मिलकर जो एग्जीक्यूटिव जो कार्यपालिका बनाते हैं उसको हम डायरेक्टरी बोलेंगे। ट्रीजन, बेट्रियल ऑफ वंस कंट्रीज गवर्नमेंट, ट्रीजन क्या दे रखा है, ट्रीजन, ट्रीजन का मीन्स होता है राजद्रोह करने वाला। बेट्रियल ऑफ वंस कंट्रीज गवर्नमेंट, यानी कि पर्टिकुलर आप कह सकते हो कि जो राजद्रोह करता है और जिसने अपने ही देश को धोखा दिया हो उसको हम कहेंगे ट्रीजन, यानी दे रखा है बैट्रियल ऑफ वंस कंट्रीज गवर्नमेंट। हम भी कहते हैं ना यह पर्सन राजद्रोही, यानी कि अपने ही देश को धोखा देने वाला, जिसको हम कहेंगे ट्रीजन। सफरेज, जिसे हम लोगों के यहाँ पर वोट देने के लिए हम कहते हैं ना एडल्ट फ्रेंचाइज सिस्टम, जो यहाँ पर सफरेज का मतलब भी वोटिंग की जो एज होती है उसके लिए नाम दिया गया है। द राइट टू वोट इन नेशनल इलेक्शन, जो पर्सन नेशनल इलेक्शन जो भी होते हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है उसको सफरेज कहेंगे। निग्रो, नाम सुना होगा आपने निग्रो, जिसको अपन हबशी कहते हैं, तो पर्टिकुलरली किसके लिए आता है, अ टर्म यूज्ड फॉर द इंडिजिनियस पीपल ऑफ अफ्रीका साउथ ऑफ द सहारा, किस किन लोगों के लिए यूज़ किया जाता है, अफ्रीका और सहारा, साउथ के जो सहारा के लोग हैं उनके लिए। इट इज़ अ डिओगेटरी टर्म, यानी कि अपमानजनक शब्द है, जो निग्रो शब्द जो बोला जाता है, हफ्शी जिसको बोलते हैं, ये अपमानजनक शब्द है। नॉट इन कॉमन यूज़ एनी लॉन्गर, हम लोग इसको सामान्य भाषा में यूज़ नहीं करते और अब इसका जो यूज़ है निग्रो का अब क्या हो गया, ऑलमोस्ट बंद हो गया है। एमिनपेशंस, द एक्ट ऑफ फ्रिंग, स्वतंत्र होने की जो फीलिंग्स होती है उसको कहा जाता है। मिलिटिया, एन ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑपरेट्स लाइक इन आर्मी बट हुज मेंबर्स आर नॉट प्रोफेशनल सोल्जर्स, क्या दे रखा है, मिलिशिया किसको कहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी संस्था जिसको ऑपरेट कौन करता है, आर्मी करते हैं, लेकिन वो जो आर्मी होते हैं वो प्रोफेशनल आर्मी नहीं होते हैं, सिंपल किसी को अपॉइंट किया जाता है, वो जो आर्मी होते हैं उनको कहेंगे मिलिशिया। बास्तिल, बास्तिल एक दुर्ग का नाम है, एक किले का नाम है। अ फोर्ट इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ पेरिस यूज्ड इन स्टेट प्रिजन, जिसको बंदीगृह के रूप में यूज़ किया गया था, स्टेट प्रिजन, प्रिजन का मतलब क्या होता है, जेल या बंदीगृह कह सकते हैं आप। डेस्पोट, समवन सच एज अ रूलर हु यूजेस पावर इन अ क्रूल एंड अनफेयर वे, क्या दे रखा है, डेस्पोट का मीन्स क्या होता है, आपकी पर्टिकुलर तानाशाह जिसको हम कहेंगे,
सच इज रूरल हु यूजेस पावर इन क्रूल एंड अनफेयर वे, जो निर्दयता पूर्वक और अनफेयर तरीकों से लोगों के ऊपर शासन करता है उसको हम क्या कहेंगे, डेस्पोट। हिंदी में मीनिंग लिखना हो तो आप लिख देना, यहाँ पर मेंशन करना तानाशाह जिसको कहा जाता है। सूस सबऑर्डिनेट अ फ्रेंच प्रीफिक्स, ये पर्टिकुलर एक प्रीफिक्स दे रखा है जो आप इंग्लिश में पढ़ते ना उपसर्ग जिसको अपन पढ़ते हिंदी में प्रीफिक्स, ये सूस है, ठीक है। सोविनियर अ थिंग दैट इज केप्ट एज अ रिमाइंडर ऑफ अ पर्सन प्लेस और इवेंट, पर्टिकुलर किसी जगह के बारे में जो नाम दिया जाता है पर्सन के बारे में प्लेस के बारे में और इवेंट के बारे में उसकी यादगार के लिए क्या दे रखा, अ थिंग दैट इज केप्ट एज अ रिमाइंडर, रिमाइंडर का मतलब याद करने के लिए पर्सन प्लेस और इवेंट उसको हम क्या कहेंगे सोविनियर। नेक्स्ट क्या दे रखा है, लुई 16 He ascended the throne of France in 1774 and ruled over France during the French Revolution. आप लोग इस लेसन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसके बारे में हम अपन पढ़ने वाले हैं उसका नाम यही है लुई 16, जो सिंहासन पर कब बैठा था, फ्रांस के सिंहासन पर 1774 में, और उस जो फ्रेंच का रिवोल्यूशन हुआ था वो उसी के समय हुआ था। ये 26 जो ग्लोसरी वर्ड है वो हमने कंप्लीट कर दिए, नेक्स्ट 27 से हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। एक बार आप इनको और रीड कर लेना आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। थैंक यू।